वेलकम टू डिपास किचन। आज की ये रेसिपी है टूटी फ्रूटी कपकेक्स की। तो ये देखिए हमारा कपकेक कितना सॉफ्ट, स्पॉन्जी और फ्लफी बना है। तो अगर आप भी सेम मेरी इस रेसिपी को फॉलो करोगे तो आपके भी कपकेक्स ऐसे ही सॉफ्ट और फुले फुले से बनेंगे। और इसे आप वैलेंटाइंस डे पर बना सकते हैं या ऐसे ही पूरे साल में कभी भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है मैदा 1 कप, अंडे 2, अनसोल्टेड बटर 5 टेबलस्पून, इसे मैंने माइक्रोवेव में डिफ्रोस्ट कर लिया था, टूटी फ्रूटी 3 टेबलस्पून, वेनिला एसेंस 2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 3 टेबलस्पून, दूध 5 टेबलस्पून और पिसी हुई चीनी 50 ग्राम। कपकेक का बैटर बनाने से पहले बेकिंग ट्रे में सारे पेपर केसेस अरेंज कर देने हैं। मैंने इस बार वैलेंटाइंस डे स्पेशल पिंक वाले केसेस लिए हैं। और अब कपकेक का बैटर बनाते हैं। तो इसके लिए इस स्ट्रेनर में डाला मैदा, फिर चीनी और बेकिंग पाउडर। तो जितने भी पाउडर्ड इंग्रेडिएंट्स थे उसे मैं एक बार छान लूँगी, जिससे कि इसमें एक भी लम्स ना रह जाए और कपकेक्स प्रॉपरली बन पाए। इसे अब अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और पूरे प्रोसेस में सारे इंग्रेडिएंट्स बस मिक्स ही करने हैं और कुछ नहीं। अब इसमें मिलाया अनसोल्टेड बटर, अंडे, दूध और वेनिला एसेंस और वापस सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर देने हैं ताकि इसमें हैंड ब्लेंडर चलाना थोड़ा इजी हो जाए। अब इसे मैं कम से कम 2 मिनट तक चलाऊंगी ताकि ये बैटर है वो एकदम लाइट और फ्लफी हो जाए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वाला ना हो तो मैनुअल ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, पर इलेक्ट्रिक वाले ब्लेंडर से थोड़ा इजी रहता है। एक बार वापस पेट्यूला से साइड में जितना भी बैटर रह गया है उसे निकाल के इसे मिक्स कर देना है। और वापस थोड़ी देर के लिए ब्लेंडर चलाना होगा। जितना इसे विस्क करोगे उतना ही रिजल्ट अच्छा आएगा और ये बैटर भी एकदम फ्लफी हो जाएगा। और लास्ट बार इसकी साइड की बॉर्डर से निकाल के इसे मिक्स करना है और 2 मिनट तक इसे व्हिप करना है। यहाँ पर मैंने टोटल 3 बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए ब्लेंडर चलाया था। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। ये बैटर बिल्कुल क्रीम जैसा बना है। इसी से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कपकेक्स कैसे बनेंगे। तो ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कपकेक मिक्स की। और सबसे आखिर में थोड़ी टूटी फ्रूटी डाल दी है और थोड़ी मैंने गार्निश करने के लिए साइड में रखी है। इस तरह से कपकेक मिक्स बन गया है। तो एक एक स्कूप जितना बैटर सारे पेपर केसेस में डाल देना है। ध्यान रखें कि इसमें सिर्फ 1 चम्मच जितना ही डालना है, पूरा भरना नहीं है, क्योंकि ये फूल जाएगा, इसलिए थोड़ी स्पेस इसमें रखनी है। अब इसके ऊपर बची हुई टूटी फ्रूटी से गार्निश करना है, जिससे इसका लुक काफी अच्छा आता है। और दूसरी ओर ओवन को भी मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। तो अब इस तैयार किए गए कपकेक्स को मैं ओवन में रखूंगी और 180 डिग्री सेल्सियस पर इसे बेक करूंगी। और ये देखिए हमारे कपकेक्स रेडी। अभी ये गर्म है इसलिए इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रखूंगी और तब तक चेक कर लेती हूँ कि कहीं से कच्चा तो नहीं रह गया। इसके लिए इस टूथपिक को इसमें प्रेस करके देख लेती हूँ। ये देखिए इसमें से एकदम ही क्लीन निकल रही है, कुछ भी चिपका हुआ नहीं है, मतलब कि ये प्रॉपरली बेक हो चुका है। और टूटी फ्रूटी से गार्निश करने की वजह से कपकेक्स काफी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं और बिल्कुल बेकरी के जैसे ही लग रहे हैं। अब ये ठंडे हो गए हैं तो अंदर से भी चेक कर लेते हैं। पहले इसका पेपर केस निकाल देती हूँ। और ये देखिए है ना, सॉफ्ट, स्पॉन्जी, फ्लफी, एकदम रुई के जैसा, मुंह में जाते ही घुल जाए।
अंदर से भी ये पूरी तरह से बेक हो गया है, तो अब इंतजार किस बात का। आप भी इसे बना सकते हैं मेरी इस दी गई रेसिपी को फॉलो करके। तो अभी से ही इस रेसिपी को अपने प्लेलिस्ट में सेव कर दीजिए, ताकि जब भी बनाना हो तब रेसिपी कहीं और ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो इस वैलेंटाइंस डे पर आप भी इस मेथड से कपकेक्स बनाइए और अपने डार्लिंग को सरप्राइज दे सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को लाइक और शेयर कर देंगे, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।